अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम और मुझे 30,000 की रेंज के अंदर एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना था। तो आइए सदर चलते हैं मोबाइल मार्केट के अंदर, आप लोगों को भी दिखाता हूं कि 30,000 की रेंज के अंदर, 30-32 या 29,000 की रेंज के अंदर कौन कौन से मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं और जो मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा हूं उसकी अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखा देता हूं और इसकी क्या खसूसियत है वो भी आपको दिखा देता हूं। अच्छा, 30,000 की रेंज के अंदर जो है ना, एक ये मोबाइल फ़ोन है रेडमी नोट 9, ये शाओमी का है, यानी कि 33,000 इसकी प्राइस है। 4GB रैम है, 128GB इसका रॉम है। मैं आपको अगर दिखा दूँ तो, अगर ये अच्छा लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह, 4 कैमरा है इसके। अच्छा, इसका एक और वेरिएंट है रेडमी शाओमी का, रेडमी 9, 27,500 का, और ये जो है वो 4GB जो है, 4GB और 64GB के वेरिएंट के अंदर आएगा ये। अच्छा, ये जो है वो रियलमी C17 है, इसकी जो कंपनी प्राइस है वो 32,000 है, और इसमें जो रैम है 6GB रैम है, और ये भी आपको 32,000 की रेंज के अंदर मिल जाएगा रियलमी के अंदर। इसके अलावा जो है वो एक और जो है वो ओप्पो का है A53, और ये 4/64 है, और इसकी जो प्राइस है वो 28,000 रुपीज़ है। ये आप ये देखें, ये पीस है, ये इसका डमी पड़ा हुआ है, ये खोलना पड़ेगा लेकिन ये, क्योंकि ये तो एक डमी है। अगर आप डमी अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा स्लिम सा है, और पीछे जो है वो कितने कैमरे, तीन कैमरे पीछे हैं और एक फ्रंट पे कैमरा है। दोस्तों, मैंने दो मोबाइल फ़ोन पसंद किए हैं, एक ये रेडमी है, रेडमी नोट 9, ये मैंने रेडमी नोट 9 पसंद किया है, और ये 4GB है और 128GB है, और दूसरा जो एक और पसंद किया मैंने C17 है, और ये रियलमी का C17 है, और ये जो है वो 6GB रैम है और 128GB रॉम है। इन दोनों फ़र्क ये है कि इसमें 2GB कम है, इसमें 2GB ज़्यादा है, और दूसरा फ़र्क ये है कि एक में कैमरा ज़्यादा अच्छा है, इसमें कैमरा थोड़ा सा कम है, यानी कि मेगापिक्सल्स का फ़र्क है। तो मुझे जो ज़्यादा जो पसंद आ रहा है वो रेडमी पसंद आ रहा है। रेडमी की प्राइस जो ऑफिशियल प्राइस है वो 33,000 है, और इसकी जो प्राइस है रियलमी की वो है 32,000। तो मैं जो हूँ वो रेडमी ले रहा हूँ, और ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ गोल्डन कम्युनिकेशन में खड़ा हूँ, सदर के अंदर स्टार सिटी मॉल के अंदर है। तो ये हमारे दोस्त हैं, घुमा दें इधर उधर, ये हमारे दोस्त हैं। मैं अक्सर यहीं से ही मोबाइल फ़ोन लेता हूं, और कोई मसले मसाइल होते हैं और पैसे भी कम कर देते हैं, तो रिकमेंड करूंगा कि मैं जैसी बातें यहीं से लेता हूं, तो आप भी अगर यहां से लेना चाहें तो यहां से लें, नहीं लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इसकी, तो अब यहाँ पर देख लें कि ये मैंने जो है वो ऐसे ही पढ़ना था ना, पूरा पढ़ दूँ, पूरा नहीं पढ़ूँ, मुझे तो मैं, अरे कोई बात नहीं, अपना ही माल है। हाँ, खोल ले। और वैसे ये मैंने खोल दिया है, ये इसका वारंटी कार्ड निकला है, दूसरी एक और पन्नी है। अच्छा, ये जेन्युइन पन्नी भी है। अगर हाँ, दूसरी बात ये कि अगर पता कैसे चलेगा कि सर, ये पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनल है ओरिजिनल नहीं है? ये कंपनी की है, कंपनी की है, ये चाइना पैकिंग है, चाइना पैकिंग है, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर पैक करता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी चाइना पैक करती है। तो ये जो है वो अगर हम रीपैक करते तो वो कौन सी वाली होती है? सिर्फ ये होगी, वाइट वाली। सिर्फ ये वाली होगी, आपके पास पड़ी हुई है वाइट? नहीं होगी, ये पड़ी हुई, और तो रीपैक कैसे करेंगे? हम नहीं करते, बाजार वाले से ही करेंगे। अच्छा, आप ये वाले से इससे रीपैक कर दोगे? हाँ, ये वाले बाजार में कर देंगे। सही है, सही है। रीपैक भी होते हैं, रीपैक में ये होता है कि लोग जो है एक दो हफ्ता यूज़ करते हैं, मना यूज़ करते हैं, नई कंडीशन होती है तो वो जो है वो इसी में बेच देते हैं। डेट ऑफ परचेज है 8 जैन 2021, तो 2021 में डेट ऑफ परचेज है, यानी कि ये 2022 तक जाएगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, और पीछे से अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं, ये कलर कौन सा है, ये कलर में इसमें लिखा होता है ग्रे, लेकिन अगर ये देख रहे हो कि ग्रे नहीं, ये ब्लू का कोई शेड है। ठीक है, और ये नाम इसका ग्रे है लेकिन ये कोई ब्लू का शेड है, और बहुत अच्छा कलर है, ज़बरदस्त कलर है ये। बाकी इसके अंदर बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हैंड फ्री है या नहीं। यार, हैंड फ्री नहीं है इसके अंदर। और ये चार्जर है, चार्जर कितने एम्पियर का, हम ये भी देख लेते हैं। चार्जर जो है वो 2.3 एम्पियर का है, और 18 वोल्ट है इसका चार्जर, और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और इसके साथ जो है इसके अंदर एक कवर भी आता है, तो हम कवर भी देख लेते हैं, फ़ोन कवर। तो ये देख लेते हैं कि फ़ोन कवर ब्लैक कलर का फ़ोन कवर है, जेली पाउच है ये, ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा है ये, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। और इसकी जो केबल है वो टाइप सी है, और नए जितने मॉडल्स आ रहे सब में टाइप सी ही आ रही है। ठीक है, ये टाइप सी है। अच्छा, अब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, इसका प्रोसेसर और उसकी स्पीड वगैरह। तो आप ये देखें कि ना, इसकी स्क्रीन टाइम, इसकी ऐप का लोडिंग टाइम वगैरह हम इसका सब चेक कर रहे हैं।
कैमरा वगैरह भी हम इसका चेक करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह, रिफ्रेश रेट इसका चेक करेंगे, रिफ्रेश रेट कितना है, और देखिए इस स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसका भी बहुत अच्छा है। जैसी बातें नया है, 4GB रैम है, 128GB जो है वो रोम है, और कैमरा वगैरह भी देख लेंगे। जैसी बातें बहुत अच्छा ही आ रहा है, और इसकी जो प्राइस है वो है 33,000 ऑफिशियल इसकी जो प्राइस है, और बाकी ये कि डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है अगर आप शॉप वगैरह पे, मुझे कितना डिस्काउंट मिला है ये मैं थोड़ी बताऊंगा, मुझे कितना डिस्काउंट मिला है ये तो आपको दुकान पे आके ही पता चलेगा। अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है, मार्केट से अच्छा डिस्काउंट मिला है।